फ्रेंड मैं रुचि और आज फिर से मैं एक नए डिश के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट रायता और साथ ही फ्रूट चाट। तो बनाना स्टार्ट करें। यहाँ हम सबसे पहले फ्रूट रायता बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम फ्रेश मीठा दही और इसको हल्का सा पहले फेंट लेंगे। ये हो गया। ये हमने कुछ कटे हुए ग्रेप्स लिए हैं, दही में ऐड कर देंगे। कुछ बारीक कटे हुए एप्पल, कुछ बारीक कटे हुए बनाना, साथ ही कुछ बारीक कटे हुए ऑरेंज जिसका छिलका निकाल के इस तरह से छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है। आधा फ्रूट चाट के लिए हमने बचा लिया है। साथ ही यहाँ कुछ पोमीग्रेनेट यानी अनार के दाने लिए हैं, इसको भी आधा ही ऐड करेंगे। आधा हमने इसको भी बचा लिया फ्रूट चाट के लिए। साथ ही इसके ऊपर से 1 से 1.5 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा जिसको हमने पहले से भून लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चौथाई चम्मच मिंट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश मिंट हो तो आप उसी को ऐड करें। और ये हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। लास्ट में 1.5 से 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर पाउडर यानी आप नॉर्मल शक्कर को घर पे ही पीस लें। और तैयार हो गए बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्रूट रायता। आप कभी भी इसे बनाकर इसको थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और सर्व करें। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे हम बनाने वाले हैं फ्रूट चाट। तो इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ी बड़े साइज में कटे हुए बनाना, बड़े साइज में कटे हुए एप्पल, ऑरेंज जिसका छिलका निकाल लिया है, और ये बिना कटे हुए ग्रेप्स, अनार के दाने, साथ ही इसके ऊपर से 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच मिंट पाउडर और लास्ट में 1 चम्मच लेमन जूस, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा फ्रूट चाट भी तैयार है। आप सीजन के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। फ्रूट रायता में ज़्यादा से ज़्यादा मीठे फल यूज में लाएं और फ्रूट चाट में खट्टे और मीठे फल का रेशियो इक्वल हो, जिससे कि बहुत ही टेस्टी फ्रूट चाट बनता है। तो बताइए आपको डिश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए इसी तरह एक नए वीडियो का।